आप लोगों ने बहुत सारी जॉन सीना की मूवीज़ देखी होगी। जी हाँ, मैं जॉन सीना रेसलर के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। उसने बहुत सारी एक्शन कॉमेडीज़ मूवीज़ बना रखी हैं, पर दोस्तों यहाँ पे जॉन सीना की जो मैंने मूवी देखी भाई, उसमें आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। अच्छी खासी नहीं, पर थोड़ी सी कॉमेडी तो देखने के लिए मिलती ही है, साथ में अच्छा खासा एक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करवाने वाला है। तो भाई वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। मूवी का नाम है फ्रीलांस भाई, जो कि अक्टूबर 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी आप लोगों को 1 घंटे 40 या 45 मिनट के आसपास की देखने के लिए मिल जाती है। आप लोग अगर जॉन सीना की कॉमेडी और एक्शन मूवीज जानते हो तो भाई कमेंट में लिख देना। मुझे जॉन सीना की कॉमेडी वाली एक्टिंग ना काफी ज्यादा सही लगती है, वो काफी अच्छी एक्टिंग करता है कॉमेडी में। और सच कहूं भाई, मुझे इस मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी जितना ज्यादा इस मूवी को देख के मुझे मजा आया। और एक्शन का तो आप लोगों को पता ही है, मुझे लग रहा था भाई ऐसे ही नॉर्मल सी कोई मूवी होगी, बट ऐसा नहीं था भाई। हाँ, ऑब्वियसली आपको स्टोरी कोई न्यू से नहीं देखने के लिए मिलती है, बट भाई उस स्टोरी का प्रेजेंटेशन, साथ में आपको न्यू कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं उनके हाथ, उनके बीच में थोड़ी सी नोक झोंक जो कि काफी ज्यादा आपको एंगेज रखती है मूवी देखने के लिए। तो दोस्तों, हमारा हीरो जो है लॉयर है, पर लॉयर बनने से पहले वो आर्मी में था, पर वहाँ पे कुछ क्राइसिस वगैरह या कुछ चीजें होने की वजह से अब हमारा हीरो सिर्फ जो है यहाँ पे लॉयर का काम करता है। एक दिन उससे मिलने के लिए उसका पुराना आर्मी का दोस्त आता है, जो कि उसे एक बॉडीगार्ड की नौकरी ऑफर करता है, जहाँ पे उसे एक लड़की जो कि रिपोर्टर रहती है उसे बचाना रहता है, जो कि दूसरे देश जा रही होती है। अब यहाँ पे जॉन सीना हाँ कर देता है, क्योंकि भाई उसे पैसे की जरूरत थी। और यहाँ पे जॉन सीना और लड़की चले जाते हैं दूसरे देश में, दूसरी कंट्री का जो प्रेसिडेंट रहता है वो एज अ डिक्टेटर कहलाता है। और मूवी के आधे सीन जो है जंगल में शूट हुए हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा मजा आता है। जंगल में थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है, कुछ कुछ एक्शन सीन्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको देखने में। और यहाँ पे जॉन सीना और वो लड़की जिस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे होते हैं भाई, उसके पीछे कोई बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और साथ साथ में जॉन सीना और उस लड़की के पीछे भी पड़ जाते हैं। और दोस्तों, मूवी में बोर होने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि हर 10-15 मिनट के बाद आपको एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। और मूवी के सेकंड हाफ में तो काफी भर भर के एक्शन है, क्योंकि वहां पे एंडिंग रहती है, तो भाई सारी की सारी स्टोरी सुल्तानी रहती है। और मूवी को इंटरेस्टिंग जो है जॉन सीना की कॉमेडी बनाती है। बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी से कॉमेडी पल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, आप लोग एक्शन के साथ कॉमेडी भी एंजॉय करते हो। और जॉन सीना और लड़की ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट को उसके ही लोग मारने पे तुले हुए हैं। अब वो क्यों मारते हैं भाई, और वो गुंडे जो है प्रेसिडेंट के पीछे क्यों पड़े हैं, और ये चीज जो है मूवी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और मूवी की एक बात जो आप लोगों को शायद पसंद ना आए भाई, मूवी जो है सिर्फ इंग्लिश में है, पर दोस्तों साथ में सबटाइटल भी है, और इंग्लिश ऐसी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोगों को समझ में ही ना आए भाई। इजिली जो सिंपल अगर कोई लिखा पढ़ा है तो भाई वो इजिली जो है इंग्लिश समझ सकता है इसमें। और मूवी में एक बात होनी चाहिए जो कि भाई ऑडियंस को एंगेज रखे अपनी तरफ, तो दोस्तों इस मूवी में आप लोगों को वो बात देखने के लिए मिल जाती है भाई। आप लोगों को मूवी जो है एंगेज रखती है, कि इस मूवी में आप लोगों को भाई ऐसा नहीं कि लोग बातें किए जा रहे हैं, बस इमोशनल सीन चल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बातें भी हो रही हैं तो भाई बस कम टू कम, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हैं। और साथ में मूवी का क्लाइमेक्स देख के आपको पक्का मजा आएगा। और आप लोग इस मूवी को बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो, और इस मूवी की जो है हैप्पी एंडिंग होती है, जो कि भाई मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई, जिससे कि आप लोग थोड़ा भी बोर नहीं होते हो। और अगर आप लोग एक सच में एक्शन मूवी लवर हो तो भाई इस मूवी को पक्का देखना, आप लोग पक्का एंजॉय करोगे। और हाँ, अगर ये मूवी हिंदी में भी होती तो भाई और ज्यादा मजा आ जाता, पर कोई बात नहीं, शायद जो है आगे आने वाले टाइम में मूवी हिंदी में डब हो जाए। आप लोगों में से किस किस बंदे ने ये मूवी देख ली भाई, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी।